हेलो दोस्तों, मैं हूं परेश रमन और फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे रिटायरमेंट प्लान के बारे में जो कि 100% रिस्क फ्री है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा रिटायरमेंट प्लान के लिए म्यूचुअल फंड्स को प्रेफर किया जाता है, पर म्यूचुअल फंड्स को एडवर्टाइज करने वाले खुद एक लाइन नीचे लिखते हैं कि दिस इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड में कहीं ना कहीं एक रिस्क पोर्शन जरूर होता है। तो ऐसा कौन सा रिटायरमेंट प्लान हम सेलेक्ट करें कि जिसमें हमारे समय के साथ कोई रिस्क ना हो और जितना हमने इन्वेस्ट किया है हमें समय पे उसका उतना रिटर्न मिल सके। और आज मैं आपको एक ऐसा रिटायरमेंट प्लान बताऊंगा कि जिसमें मात्र 1,000 रुपये प्रति महीना जमा करने पर आपके 60 साल की एज में 20 लाख रुपये हो सकते हैं। और उस प्लान का नाम है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आपने PPF के बारे में सुना होगा। ये एक गवर्नमेंट की सेविंग स्कीम की तरह है। इसमें जब आप कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आप 15 साल तक PPF से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। ये इसकी सबसे बेसिक कंडीशन है। पर चूंकि आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा कर रहे हैं तो आपको उस फंड में से पैसा विड्रॉ करना भी नहीं है। 15 साल ख़त्म होने के बाद आप इसे 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, या मैं ये कहूँ कि आप इसे 5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड कर सकते हैं। सपोज़ आपका 15 साल ख़त्म होने वाला है तो जिस बैंक में आपने अपना PPF खुलवाया है वहाँ पर आप इसे 5 साल के लिए दोबारा एक्सटेंड कर सकते हैं। और फिर जब वो 5 साल ख़त्म होगा तो फिर आप उसे 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें कोई भी समय सीमा नहीं है कि आप सिर्फ एक्सटेंशन एक बार या दो बार कर सकते हैं। आपको जितनी मर्जी चाहे आप उतने बार 5 साल के लिए उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। ये किसी शेयर मार्केट से नहीं जुड़ा हुआ है। ये कोई ऐसा फंड नहीं है जो दूसरे कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है और वहाँ से रिटर्न लेके अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न पास करता है। ये प्योरली एक गवर्नमेंट की स्कीम है और इस पर आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और इसमें आपको लगभग 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो अब मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि कैसे आप 1,000 रुपये हर महीने इसमें जमा करके आप इसे 20 लाख रुपये तक लेके जा सकते हैं। आप जितना जल्दी अपना रिटायरमेंट प्लान करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मान लीजिए अगर आप 25 साल से अपना PPF अकाउंट चालू करते हैं और हर महीने उसमें 1,000 रुपये डालते हैं, मतलब एनुअली आप अपने PPF अकाउंट में 12,000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो ये 60 साल के बाद आपको 20 लाख रुपये, तकरीबन 20 लाख रुपये देगा। तो 25 साल से अगर आप अपना PPF अकाउंट खोल रहे हैं और 60 साल तक उसे लेके जा रहे हैं तो आप सिर्फ 4,20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर आपको रिटर्न में मिल रहा है 20 लाख रुपये। दोस्तों, ये सिर्फ 1,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। अब जो एबल हैं, अगर वो महीने में 5,000 रुपये जमा कर सकते हैं और अगर वो 25 साल से PPF में जमा कर रहे हैं और अगर वो 60 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते हैं तो 60 साल के बाद उन्हें लगभग 21 लाख का 1 करोड़ के आसपास मिलने वाला है। तो कितना बड़ा अमाउंट हो गया, आप सोचिए कि आपने इन्वेस्ट किया 21 लाख और आपको 60 साल के बाद मिलेगा 1 करोड़ रुपए। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। प्लस इसमें आपको सेक्शन 80C के अंदर आप इसे डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। तो PPF अकाउंट ओपन करवाना अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो होता है वो मार्केट के वॉलेटिलिटी पे ही डिपेंड करता है। कल को चल के अगर मार्केट क्रैश होता है तो आप अपने म्यूचुअल फंड की वैल्यू खो सकते हैं। इसीलिए अगर आप कोई रिटायरमेंट प्लान के बारे में सोच रहे हैं या आपके कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड आपसे कभी कुछ पूछते हैं रिटायरमेंट प्लान के बारे में, तो आप उन्हें PPF के बारे में ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए।
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और आगे मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।